ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। आ हा हो ही हा हा। ये मुंबई है मुंबई, यहाँ हर कोई एक कलाकार है। यहाँ के खाने से लेकर यहाँ की बनावट तक, यहाँ लोग टाइम के साथ नहीं टाइम के आगे चलते हैं। यहाँ हर किसी की एक लंबी उड़ान है। सरसराती हुई लोकल में सही टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुँच जाना हो, या झुकी हुई झोपड़ी में रहकर भी 100 मंजिला इमारत बनाना हो, या किसी छोटे बच्चे का चलने से पहले हाथ फैलाना सीख जाना हो और इसी भीड़ में खो जाना हो, यहाँ लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं या एक दूसरे को कुचल रहे हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है ये सब एक बॉलीवुड फिल्म है और अपन उसका एक हिस्सा। हीरो है या विलन पता नहीं। अरे भाई, इधर किधर? अरे वो थोड़ा काम से आया था। किधर जा रहा है? वही काम पर। कैसा है? ठीक हूँ, तू कैसा है? एक नंबर। और तू किधर? यही टेकरी पे जा रहा था, सुना तेरी बहन के बारे में। और छोटो कैसा है? थोड़ा पैसे का जुगाड़ जमाया है, जैसे हो जाएगा उसका भी ऑपरेशन कर देंगे। तो आज क्या बेच रहा है, बिक जाएगा? आज तो सभी बेच देंगे, चल मिलते हैं। वैसे अपन एक फिरकी वाला है और आज अपना काम टेडी बेचना है। आप लोगों को लगता होगा कि इस करोड़ों की आबादी में कुछ टेडी बेचना कितना आसान होगा। कोई मुझे ही पूछे कि कितना मुश्किल होगा। अरे मैडम जी, टेडी बेयर लेंगे? शो? बड़ी बड़े नहीं है? अरे है ना, देखिए। How much? क्या? कितने में दिया? 220। 220 को ज़्यादा नहीं हुआ? अरे क्या मैडम जी, पूरे मुंबई का सबसे सस्ता टेडी बेचते हैं हम। अच्छा ठीक है, ये पैक कर दूँ। पैक कर दूँ? हाँ, ठीक है पैक कर देता हूँ। 220 ना? हाँ 220। यहाँ पर कुछ भीड़ थी, क्या हुआ कुछ? हाँ वो हमारा एनजीओ का प्रोग्राम चालू था। अच्छा ठीक है। अरे इसमें 30 रुपए कम है। 220 ना? 220 है। 220 माने 250 नहीं? नहीं 220 मतलब 220। 220 माने 220। अच्छा ठीक है। साला इंडिया में गरीब पैदा होने से बड़ा पाप है इंग्लिश नहीं आना। भाई टेडी लोगे? क्या आप डिक्शनरी लोगे? अरे दिखाना आपने, ऐसे ही चल रही है मुंबई शहर की धड़कन। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर पर। जिंदगी अजीब है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं, गलती उनकी भी नहीं है। शायद इस शहर की हवा में ही इतना सीमेंट है कि लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं, ये जो जिंदगी चल रही है वही एक सपना है। हेलो, हाँ सिर्फ एक ही बचा है, वो भी 8 बजे तक बिक जाएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी आ रहा हूँ। जैसे तैसे सारे टेडी बिक गए। साला फ्री फोकट में मुंबई को इतना गाली दे दिया।
हाँ बोलो भाई, क्या हुआ, क्या काम था? काम था रे तेरे से एक। क्या काम? काम था एक तेरे से। अभी थोड़ा घाय में हूँ मैं, तुम्हें बाद में मिलता हूँ भाई। तो बैग बैग लेके ऐसे क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है? घर जा रहा हूँ मैं, थोड़ा काम है, मिलता हूँ। चल दिया। हाँ मिलता हूँ। क्या बताओ कि इस बैग में पैसे हैं जो मुझे टेडी बेचने के लिए मिले, जिसमें बॉम्ब थे। बहुत घिना रही है खुद से और बहुत घबराहट भी हो रही है, पर जैसे रावण के लिए उसका घमंड, शकुनी के लिए उसका बदला और भूखे के लिए सबसे पहले उसका पेट होता है, वैसे ये एक मजबूरी थी। माना कि कितने ही हजारों लोग आज उन बॉम्ब के वजह से मर जाएंगे, पर उसका क्या जो हम रोज मर रहे हैं? उसका क्या जो मेरी बहन मर गई? उसका क्या जो मेरे भाई के दिल में छेद है? अब मैं मेरे भाई को मरने नहीं दे सकता। पाप लालच, सच झूठ, ये सब सिर्फ एक नजरिए की बात है। हम सबको सबसे पहले तो सिर्फ अपना ही काम निकालना होता है। और अगर आपको मैं अभी भी गलत लग रहा हूँ तो हाँ, मैं हूँ गलत और ये मेरे लिए सही था। हाँ आ गया। कहाँ थे? था कुछ काम था कुछ। क्या कर रहे हो? आपको कुछ दिखाना है। दिखाओ दिखाओ, क्या दिखाना है दिखाओ। अच्छा है ना? अच्छा किसने दिया है तुम्हें? वो एनजीओ वाली दीदी है ना, उन्होंने दिया। कभी सोचा नहीं था कि जो बॉम्ब मैंने बेचे उसमें से एक घूमकर इस तरह मेरे ही पास आएगा। मेरे बचपन में मेरा एक हिंदी का टीचर था, हमेशा कहता रहता था कि तुम्हारी मजबूरी तुम पर काबू कर ले, उसके पहले तुम उस पर काबू कर लो। ये बात कभी समझने की कोशिश नहीं की और आज जब समझ में आई है तो थोड़ी देर नहीं हो गई। जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।